हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में एटमॉस्फेरिक करेक्शन कैसे करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर का ये एक छोटा सा पार्ट टोपोग्राफिक करेक्शन बचा हुआ था, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो टोपोग्राफिक करेक्शन में क्या होता है, जहाँ पे टेरेन जो थोड़ा हिली रीजन हो वहां पे डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं इमेज में, कहीं पे शेडो ज्यादा आ जाती है, कहीं पे रिफ्लेक्टेंस जो है हाई रिफ्लेक्टेंस रहती है। तो वो ड्यू टू डिफरेंट जो हिल के एंगल और स्लोप होते हैं उस वजह से होता है, और हर जगह अलग अलग सोलर रेडिएशन पहुंच पाता है, तो उस वजह से जो है टोपोग्राफिक करेक्शन करने की नीड पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि स्लोप जो है कहीं पे ज्यादा सनलाइट पहुंचती है, कहीं पे कम सनलाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से टोपोग्राफिक करेक्शन की नीड पड़ती है। और इसमें क्या होता है, सेंसर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो टोपोग्राफिक स्लोप पैंड एस्पेक्ट के बारे में पहुंचती है, और बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इन्फॉर्मेशन जो है सेंसर तक पहुंचती है। और इस टेरेन जो टोपोग्राफिक करेक्शन है इसको करने के लिए जो है माइनट करेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मेथड है जो कि टेरेन इल्यूमिनेशन इफेक्ट को रिमूव करता है और टोपोग्राफिक करेक्शन करता है इमेज में। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ln इज इक्वल टू l इंटू कॉस ई टू द पावर k माइनस 1 इंटू कॉस आई टू द पावर k, जहाँ पे ln जो है ये नॉर्मलाइज रेडियंस है और l मेजर्ड रेडियंस है, और e जो है ये स्लोप है जो कि डेम से डिराइव करके निकाला गया है, और i जो है ये इंसिडेंस एंगल है सोलर रेडिएशन का, और के जो है ये माइनर कांस्टेंट है। ये हर एक इमेज के लिए अलग अलग एस्टिमेट किया जाता है। तो इस माइनर करेक्शन मेथड से टोपोग्राफिक करेक्शन किया जाता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक करेक्शन को। तो जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है जो इमेज में अपियर होते हैं, जैसे कि हेज हो गया, क्लाउड्स हो गए, तो ये जो है इफेक्ट्स इनको एरर जैसे कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सिग्नल रिसीव होते हैं सेंसर को उसी के पार्ट होते हैं। पर इस तरह के करेक्शन की वजह से क्या होता है, इमेज में कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एल्गोरिदम और मेथड्स बनाए गए एटमॉस्फेरिक करेक्शन को करने के लिए। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हेज रिमूवल आता है। हेज की वजह से जो है जब सेंसर जो इंटरेक्ट करता है सरफेस के साथ और रिटर्न बैक सिग्नल जो इसको आती है, इसमें जो है एटमॉस्फेयर में इसको हेज के साथ मीट होती है, तो वहां पे जो है इमेज जो है हेजी फॉर्मेशन होता है इमेज का, और जिससे इमेज की कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम हो जाती है। और हेज की वजह से क्या जो है इमेज में जो है हायर डीएन वैल्यू शो होते हैं, और इसका इफेक्ट जो होता है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये इनकमिंग जो सेंसर तक जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है अर्थ से उसी का पार्ट होता है, इसीलिए ये इफेक्ट जो है वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। और इस एटमॉस्फेरिक करेक्शन करे तो हेजी इमेज एक ऐसी दिखती है, और आफ्टर करेक्शन के बाद ये बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्ट इसका अच्छा हो जाता है और ऐसी इमेज बन के आती है, जैसे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं। ये इंडोनेशिया के एक इमेज का एग्जाम्पल लिया गया इसमें, और जैसे यहाँ पे क्लाउड के देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाउड कवर थोड़े ज्यादा है, इसको करेक्शन किया गया क्लाउड का करेक्शन, और इसको थोड़ा कम किया गया है आफ्टर करेक्शन में। ज्यादातर अगर क्लाउड फ्री इमेजेस चाहिए होती हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक करेक्शन की नीड ना पड़े, तो माइक्रोवेव डेटा जो सार डेटा होता है उसको यूज करते हैं हम लोग। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन की नीड क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लाइट नहीं होती, वो साथ में स्काई की लाइट होती है, एटमॉस्फेयर से जो स्कैटर्ड रेडिएशन आती है वो रेडिएशन भी होती है, और इसी तरह जब रिटर्न बैक में सेंसर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है तो इसके पास भी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम से जो आ रही है वेव्स, वही रिटर्न बैक नहीं जाती है एटमॉस्फेयर से, जो अलग अलग स्कैटर होके रेडिएशन जाएगी वो रेडिएशन भी सेंसर तक पहुंचती है, और इसी को पाथ रेडिएंस भी बोलते हैं। तो स्कैटरिंग जो होती है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है, और ये अमाउंट जो होता है स्कैटरिंग का बैंड टू बैंड जो है रिफर करता है, बैंड टू बैंड ये डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होती है, और इन्हीं सारी वजहों से जो है एटमॉस्फेरिक करेक्शन का यूज किया जाता है इन सारे इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो अगर एटमॉस्फेयर और रेडिएशन की बात करें, अगर हम लोग एक रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस रिसीव्ड एट द सेंसर एंड रेडियंस लीविंग द ग्राउंड, तो उसके लिए उस रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे बताया गया, एल एस इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू टी प्लस एल पी, जहाँ पे एल एस जो है आपका सेंसर रेडियंस है, एच जो है टोटल डाउनवेलिंग रेडियंस है, इंसिडेंस एनर्जी है, ये रो जो है आपके रिफ्लेक्टेंस ऑफ टारगेट है,
और टी जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिटेंस है, और इसमें एलपी जो है ये एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस है, ये जो है वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है, एलपी वाला जो पार्ट है तो वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन मेथड्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, इमेज बेस्ड, रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल और एम्पिरिकल लाइन मेथड। तो इमेज बेस्ड मेथड जो भी आएंगे, ये जितना आपका ये वाला पार्ट है, एलपी वाला पार्ट है जो वेवलेंथ डिपेंडेंट है, इसके करेक्शन के लिए आएंगे। तो इसमें हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड और रिग्रेशन मेथड आता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड है एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज मिल रही है आपकी, उसके हर एक बैंड के पिक्सल वैल्यूज को एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि पिक्सल वैल्यूज लो रिफ्लेक्टेंस एरिया जो होगी, जो जीरो के नियर में होगी, जो लो रिफ्लेक्टेंस एरिया होगी, वो क्या कहते हैं एक्सपोजर ऑफ डार्क कलर की जो इमेज होगी, डार्क कलर की रॉक होगी या कोई डीप शेडो होगा या कोई क्लियर वाटर होगा, वो लो रिफ्लेक्टेंस प्रेजेंट करेगा इमेज में, उसकी वैल्यू जो होगी नियर जीरो होगी हिस्टोग्राम की। और लोवेस्ट पिक्सल वैल्यू जो होते हैं विजिबल और नियर इंफ्रारेड में आर अप्रोक्सीमेशन टू एटमोस्फेरिक पाथ रेडियंस, या एटमोस्फेरिक पाथ रेडियंस की वजह से होते हैं। तो हमें एटमोस्फेरिक करेक्शन में यही पार्ट को रिमूव करना है। तो हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड की वजह से जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं इमेज में, जिस पिक्सल का डीएन नंबर एकदम मिनिमम है, उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इमेज से हटा देते हैं। तो ये हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड में होता है। इसके बाद बात करें अगर डार्क पिक्सल सब्स्ट्रैक्शन की, तो डार्क पिक्सल सब्स्ट्रैक्शन में भी क्या होता है कि अज्यूम दैट द डार्केस्ट ऑब्जेक्ट इन द इमेज, द मिनिमम वैल्यू इन द हिस्टोग्राम शुड हैव अ डीएन ऑफ जीरो। ये हमेशा करेक्ट अजम्पशन नहीं होता है, पर हम मान के चल रहे हैं कि जो डार्केस्ट ऑब्जेक्ट है इमेज में उसकी डीएन वैल्यू जीरो होगी। उसके बाद हर एक जो बैंड है आपकी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज की, हर एक बैंड जो है उसमें से आपका जो सबसे मिनिमम जीरो वाली जितनी भी डीएन नंबर है उन सबको रिमूव कर देते हैं। तो हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड में यही होता है कि जितने भी डार्क पिक्सल्स हैं, डीएन वैल्यू जीरो है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके अलग कर देते हैं इमेज से। इसके बाद बात करते हैं रिग्रेशन मेथड की। इसमें भी सेम चीज जो है एप्लीकेबल टू डार्क पिक्सल एरियाज पे ये एप्लीकेबल होता है। इसमें नियर इंफ्रारेड की जो पिक्सल वैल्यूज हैं उनको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट वैल्यूज इन अदर बैंड, नियर इंफ्रारेड की जो पिक्सल वैल्यूज हैं उनको अदर बैंड के रेफरेंस में जो है प्लॉट किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट जैसे कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है और इसमें नियर इंफ्रारेड और बाकी बैंड के पिक्सल को एक दूसरे के साथ जो एक लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट बनाया जाता है, और इसमें एक ऑफसेट होता है, इस ऑफसेट से जितने भी पिक्सल दूर जाते हैं उनको जो है इमेज से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और ये जो दूर वाले पिक्सल्स हैं यही जो एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस का पार्ट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एरर के कॉज होते हैं। तो इन सारे पिक्सल्स को जो है इमेज में से रिमूव कर दिया जाता है, ये रिग्रेशन मेथड के अंदर आता है। और इस मेथड में जो है हम लोग नियर इंफ्रारेड के अगेंस्ट में वैल्यूज क्यों प्लॉट करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि जो लॉन्ग वेवलेंथ की बैंड है वो स्कैटर नहीं हो रही है, तो लॉन्ग वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली बैंड है, शॉर्टर वेवलेंथ को सबको एक्स एक्सिस पे रख देते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ को वाई एक्सिस पे रख के एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है पिक्सल वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो इस मेथड से भी हम जो है डार्कर पिक्सल्स को रिमूव कर सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस का पार्ट है, स्कैटर्ड इमेज स्कैटर्ड रेडियंस जो आती है उसका पार्ट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एरर आते हैं। तो इस मेथड से भी हम डार्क पिक्सल्स जो है जो भी हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, जो डार्क पिक्सल एरियाज है इमेज में। तो बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए जो एरोसोल की डेंसिटी है वो विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन में एस्टिमेट की जाती है, और वाटर वेपर की डेंसिटी जो है वो थर्मल इंफ्रारेड रीजन में एस्टिमेट की जाती है। और ये जो है ज्यादातर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है। इसके लिए कुछ जो मेथड्स बनाए गए हैं, न्यूमेरिकल मॉडल्स बनाए गए इसके लिए, कौन कौन से हैं वो लोट्रान 7, मॉडट्रान 4, ATREM, ATCOR, 6S जो है सेकेंड सिमुलेशन ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल इन द सोलर स्पेक्ट्रम, और फ्लैश, ये सारे जो है ये न्यूमेरिकल मॉडल्स बनाए गए रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल के अंदर। और ये मॉडल जो ये लिमिटेड होता है क्योंकि इस डेटा की सप्लाई जो होती है इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिस टाइम में डेटा एक्विजिशन हो रहा हो सैटेलाइट इमेज का उसी टाइम पे इस डेटा के भी एक्विजिशन की जरूरत होती है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस टाइम में क्या है। तो इस मेथड में जो है जो एल्गोरिदम यूज किया जाता है वो यूजर जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन उस पे बेस्ड होता है,
जैसे कि यूजर बताएगा रिमोटली सेंस जो इमेज सीन है उसका लैट लॉन्ग क्या है, डेट एंड एग्जैक्ट टाइम क्या है उस डेटा का, इमेज एक्विजिशन ऑल्टीट्यूड क्या है, मीन एलिवेशन क्या है, कौन से सीजन का डेटा है, ये सारी यूजर बेस्ड इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड होती है तो उसके बेसिस पे जो है रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल के जो एल्गोरिदम है वो सारे रन होते हैं इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जैसे कि इन्हीं सारे मॉडल्स में से एक ATCOR ADCOR जो है इसके बारे में बात करें, ये जो है जर्मनी में डेवलप हुआ है DLR के द्वारा, और इसके डिफरेंट वर्जन है। जैसे सैटेलाइट इमेजरी में इसका जो वर्जन है ADCOR 2 जो है फ्लैट टेरेन के लिए, ADCOR 3 जो है वो रग टेरेन के लिए, एयरबॉर्न इमेजरी भी है इसकी जिसको ADCOR 4 बोला गया, ये फ्लैट एंड रग दोनों सरफेस के लिए है। कमर्शियली भी इसके वेरियस वर्जन अवेलेबल है, जैसे स्टैंड अलोन वर्जन है आइडियल में इसका, एडास इमेजिन में भी है, PCI जियोमेटिका में भी इसके वर्जन अवेलेबल हैं जो कि कमर्शियल है। इसके बाद बात करें तो अगला जो एटमॉस्फेरिक करेक्शन का मेथड है वो है एम्पिरिकल लाइन मेथड। एम्पिरिकल लाइन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है रिमोट सेंसिंग डेटा को जो है मैच किया जाता है इन सीटू स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट के डेटा से, और इसमें क्या होता है कि सेम टाइम में जिस टाइम में रिमोट सेंसिंग का डेटा दिया जा रहा है उसी टाइम ग्राउंड पे भी सेम टाइम में डेटा एक्विजिशन किया जाता है। और एम्पिरिकल लाइन कैलिब्रेशन का जो इक्वेशन है वो है रिफ्लेक्टेंस फील्ड स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू गेन इनटू रेडियंस जो इमेज से आएगी प्लस ऑफसेट। तो यहाँ पे जैसे फील्ड पे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है यूजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का यूज करके इस मेथड का यूज किया जाता है, और इसमें जो इसके बाद में फाइनल एक प्लॉट किया जाता है रेडियंस फ्रॉम इमेज से जो रेडियंस आई है और रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम इन सीटू मेजरमेंट जो लिया गया है उससे जो रिफ्लेक्टेंस आई है उन दोनों के बीच में प्लॉट किया जाता है वैल्यूज को, और वो एक लाइन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो लाइन से बाहर जाती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से एम्पिरिकल लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए। एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने के रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक करेक्शन हमेशा नेसेसरी नहीं होता है, जैसे कि अगर कोई सिंगल सीन स्टडी करना हो तो नेसेसरी नहीं होता, और एटमॉस्फेरिक डिफरेंस जो है ये कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेशियो बेस्ड स्पेक्ट्रल इंडिसेस। बहुत सारा जो रेशियो बेस्ड स्पेक्ट्रल इंडिसेस होते हैं उसको रन करके एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है। ये नेसेसरी होता है जब आप मल्टीपल सीन्स का यूज कर रहे हो इमेज में, बहुत सारे मल्टीपल सीन्स का यूज कर रहे हो, वहां पे सीन को मैच कराना हो, जब आपको मोजैकिंग करानी हो या फिर चेंज डिटेक्शन एनालिसिस करना हो उस टाइम एटमॉस्फेरिक करेक्शन की ज्यादा नीड पड़ती है। और जब आपको इस डेटा को जो है ग्राउंड के रिफ्लेक्टेंस के साथ में कंपेयर करना हो तब एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने की नीड पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक करेक्शन की इमेज दिखाई गई है, बिफोर वाली इमेज, ये पैनक्रोमेटिक इमेज है, बहुत ज्यादा हेज अवेलेबल है, और यहाँ पे जो एडकॉर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, लाइका जियो सिस्टम एंड DLR का जो मॉडल था ये जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये रेडिएटिव ट्रांसफर का एक मॉडल था, तो इसका यूज करके इस हेज को जो है रिमूव किया गया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने जितने भी एटमॉस्फेरिक करेक्शन के मेथड्स थे उनके बारे में बात की है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। तो अगले लेक्चर में हम जियोमेट्रिक करेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।